भारत बंद की कॉल के बाद हरियाणा के किसानों का गुस्सा जेजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा है। किसान तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन करके सरकार को अपना विरोध जता दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि किसानों ने रास्ता बंद करने या जाने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज किसान सड़कों पर उतर आया है। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती और इन तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो किसान संगठन किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर सरकार विरोधी नारे लगाते आ रहे किसान आज भारत बंद को सफल बनाने के लिए अम्बाला के विभिन्न चौराहों पर एकत्रित हो रहे हैं। वे हरियाणा सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और अम्बाला में पुलिस की 2 बटालियन को पूर्ण रूप से लगाया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान जगह जगह रोड जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्बाला जगाधरी रोड पर एकत्रित हुए किसान नेता अमरजीत सिंह मोड़ी का कहना है कि भारत बंद के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गुरमान सिंह चडूनी ने उनकी जहां भी ड्यूटी लगाई है वे उस पर पूरी तरह से खड़े उतरे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जरूरत पड़ी तो वे सड़क जाम से लेकर बाजार बंद तक करवा सकते हैं। वह अभी सरकार विरोधी नारे लगाने के साथ साथ जनता को ये भी बता रहे हैं कि तीनों अध्यादेशों से किसानों का भला होने वाला नहीं है और ये जेजेपी और भाजपा सरकार फिर भी किसानों की अनदेखी करने में लगी हुई है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह मोड़ी। अमरजीत जी, बताएं आज का प्रदर्शन क्या है? हमारा पूरे भारत बंद का जो प्रोग्राम है उसके तहत हमने अम्बाला और कैंट में अपनी ड्यूटियां लगाई हैं पदाधिकारियों की, और सब ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक टीम अम्बाला को बंद कराने में वहां पर प्रदर्शन करेगी, रोस मार्च करेगी पूरे अम्बाले में, और एक टीम ये अम्बाला कैंट में रोस मार्च करेगी पूरे कैंट के अंदर। एक नारायणगढ़ के है अंदर है, एक शहजादपुर के अंदर, जैसी जैसी ड्यूटियाँ लगाई हैं उसको निभाएंगे। आज बाजार बंद कराने का ही प्रोग्राम है। ऊपर से जैसा भी आदेश गुरनाम सिंह चडूनी जी का होगा वैसे वैसे निभाएंगे। आज ड्यूटी लगाई थी उन्होंने भी, आप रोड जाम करना चाहे रोड जाम करें, आप बाजार बंद कराना चाहे बाजार बंद कराएं, आप रोस मार्च करना चाहे रोस मार्च करें। हमने रोस मार्च का फैसला लिया, अम्बाले और कैंट के अंदर रोस मार्च करेंगे, नारायणगढ़ में रोड जाम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम है। उसके बाद जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। वो खुद आएंगे चडूनी जी? आज नहीं आएंगे वो। हमारी यहाँ 2 कंपनी आज हमने यहाँ ड्यूटी पे लगा रखी हैं और हम हर एक प्रकार के सुरक्षा प्रबंधन को लेके तैयार हैं। किसानों से हमने अपील कर ली है और वो पीसफुली अपना प्रदर्शन करेंगे। जिस प्रकार की भी व्यवस्था होगी उसी प्रकार की व्यवस्था का हिसाब से जवाब दिया जाएगा। और उनसे रिक्वेस्ट भी करी है हमने कि वो अपना प्रदर्शन उग्र ना करें, प्यार से अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें, और यदि कोई सिचुएशन खराब होगी तो उसके लिए भी क्या। रोड जाम की, चक्का जाम की बात कही थी इन्होंने, तो रोड चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? नहीं, हमने अपील की है इनकी कि आम जनता को असुविधा ना हो, ये हमारी रिक्वेस्ट मान लेंगे तो अच्छा है, बाकी देखते हैं जैसा होगा। प्रदर्शन कहाँ कहाँ कर रहे हैं कुछ? प्रदर्शन ये शहर में घूम के लोगों से अपील करेंगे कि दुकानें बंद कर लें इनके समर्थन में। बाकी रोड चल रही है पूरी? बिल्कुल, सारा ट्रैफिक अभी तो चल रहा है। ये बता।